Gentlemen, this is the most awaited moment of tonight. Hold your breaths for a few more moments. And here comes the heartthrob of millions, Ali Sethi. Assalamu alaikum. Good evening. Kaise hain aap sab log? Let's hear it. How are you? Janab College Jang. Thank you for having us. Hum aaj jis program ki numaindagi karne ke liye aaye hain aapke samne. It's a very special program. Coke Studio Pakistan. Do you love Coke Studio? Do you love Coke Studio? We love it too. Show shuru karne se pehle main thoda sa aapko batana chahunga. Wo meri tasveer lagi hai wahan, mera pehla saal tha Coke Studio ka, 2 saal pehle 2015 mein maine apna pehla gana Coke Studio pe gaya. Aap mein se kitne log Coke Studio pe gana chahte hain? I can't hear you. Yes, okay, I hear you. मैं भी आप ही की तरह कोक स्टूडियो पे गाना गाना चाहता था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि कोक स्टूडियो जैसे आलीशान मकाम तक पहुंचने से पहले मुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगी, मुझे एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा मौसीकी का. और क्या आप ये जानते हैं कि मौसीकी को भी स्टडी किया जाता है? आपके कॉलेज में म्यूजिक क्लासेस होती हैं? आई कॉन्ट हेयर यू, इज दैट अ यस और अ नो? ओके, आई एम अस्यूमिंग इट्स अ यस, बिकॉज होना चाहिए. आप एक बहुत खास इलाके में, खित्ते में आप लोग पढ़ रहे हैं. झंग एक कदीम हिस्सा है हमारे मुल्क का, बल्कि पूरे बरे सगीर की तारीख में, अदब की तारीख में. हीर रांझा का किसने नहीं सुना? वारिस शाह की हीर जो है वो हमारी मौसीकी के साथ बहुत जुड़ी हुई है. यहीं पे मशहूर हीर का मैंने सुना है मज़ार भी है. तो हम एक बहुत ख़ास इलाके में आज हैं जहाँ पे, जहाँ की ज़ुबान, शायरी, अदब, मौसीकी बहुत मशहूर है, दुनिया में मशहूर है. तो मैंने गाना जो है वो
सीखना शुरू किया आज से तकरीबन 10 साल पहले। उससे पहले मैं एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जहां मैंने हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो लिहाजा बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है जाके कोक स्टूडियो पे मैं गाना गाया, और जो गाना मैंने गाया कोक स्टूडियो पे, अपना पहला गाना जो गाया, उसमें कुछ सिराइकी के बोल हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद के कुछ तोड़े हैं, आज आपको सुनाएंगे। पहले एक ऐसे बहुत प्यारे मिली नगमे से शुरू करते हैं जो कि आप सब जानते हैं, पिछले साल हमने कोक स्टूडियो में गाया बड़े एहतराम से। शहीद वो होता है जो अपनी जान हक की राह में कुर्बान कर देता है, लेकिन लफ्ज़ शहीद जो है वो एक और लफ्ज़ से जुड़ा हुआ है, मुशाहिदा, शहादत। जैसे कलमा शहादत है, शहादत की एक मानी है जान कुर्बान कर देना, एक लिटरल मानी है, एक और मानी है गवाही देना, सच की गवाही देना, हक की राह में चलना। तो जो तालिबे इल्म होते हैं और जो उनके टीचर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल में, मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में एक बहुत अहम मुशाहिदा करते हैं, गवाही देते हैं एक बहुत अहम हकीकत की, जिसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये आप सबके लिए। की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐरा है हक के together।
खड़े पप्पों पे खड़े उम्रें गुजर गई इंतजार का खास नशा आपको भी ग्रेजुएट करने तक ये इंतजार करना पड़ेगा परदेसी होयो जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी फोन पे परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो देते दिया नित वतन वाले कमली करके हो जाना जरा आपके इलाके में शायद छल्ला कहते हैं ना है ना मुझे बड़ा पसंद है ये लफ्ज़ झल्लियां मैंने झल्लियां बना के है ना छल्ला हो जाना तो कमली की कैफियत गाने में कैसे दिखाई जाती है मेरे उस्ताद बहुत बड़े आदमी उन्होंने मुझे कुछ खास तरकीबें कि जो खास एक इश्क के दौरान जो कमली कैसे होना है कमली करके कमली करके कमली 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 करके जो I'm not afraid to die.
I would like to introduce my wonderful band, my musicians. Saad Sultan, तालियां इनके लिए. गिटार पे आपके सामने मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त, पाकिस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. मैं हो गया अपनी हमारी दोस्त कुरतुल अम बलोच क्यों भी, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हो गई. आतिफ असलम हो गए, सब लोग इनके स्टूडियो आते हैं काम करने. ये बहुत बहुत जीनियस आदमी है. नो लेस मिस्टर एंटनी सोशील यहाँ खड़े हैं कीबोर्ड के ऊपर, मून भाई हमारे. इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां प्लीज. मून भाई के साथ शाबाज हैं, शाबाज हारमोनियम बजा रहे हैं और यहाँ ढोलक के ऊपर बाकिर हैं. प्लीज क्लैप्स फॉर माय वंडरफुल बैंड. एक कोक स्टूडियो के बारे में मैं चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अब ये मेरा तीसरा साल है मैं कोक स्टूडियो में गा रहा हूँ. कोक स्टूडियो आपको पता है कितने लोग देखते हैं? 100 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान वॉच कोक स्टूडियो. शायद इंडिया की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कि इतने लोग देख पाते हैं. सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर को भी नहीं देख पाते जितने ज़्यादा कोक स्टूडियो को आवाम चाहते हैं पाकिस्तान के. और इसकी क्या वजह है, क्यों चाहते हैं हम कोक स्टूडियो को इतना? आखिर बहुत से प्रोग्राम हैं टीवी पे, बहुत से सिंगर्स हैं अच्छे, अच्छा काम करते हैं. कोक स्टूडियो की खास बात क्या है? कोक स्टूडियो की खास बात यह है कि कोक स्टूडियो रिवायती मौसीकी, यानी जो हमारा फोक म्यूजिक है, उसको नए अंदाज में यंग जनरेशन के लिए पेश करता है. है कि नहीं ऐसा? आई वॉन्ट हियर यू. अगर आप इस एज में इस तरह यस कह रहे हैं तो फिर आपका आगे के क्या बनेगा? लेट मी हियर यू वन मोर टाइम. ये गाना कोक स्टूडियो ने बहुत खूबसूरती से बनाया. ये तुफैल नियाजी साहब का गाया हुआ गीत है. दो साल पहले आपने कोक स्टूडियो सीजन 8 में या 7 में इसको सुना है. ये आपके लिए नौजवान तबका, आप लोग अब जो ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, क्लास 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स के लोग, ये आपके लिए है. इंजॉय करें. क्लैप विद मी. जवानी आई खिरिया ने गुलजारा, वो बचपन गया जवानी आई खिरिया ने गुलजारा, वो गल्ला सूहे रंग बताए बहकण अजब बहारा, वो गल्ला सूहे रंग बताए बहकण अजब बहारा, वो पींग मही दी झूठण आईया मस्त अलड़ मुटियारा, पींग मही दी झूठण आई मस्त अलड़ मुटियारा, वो बारो बारी पींग चुटे बन कर करना सहजाता, बारो बारी पींग चुटे बन कर करना सहजाना. जदों आई दगड़ी दीवारी है टूट गई, ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके, ओ लाई बे कटना नल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके. जवानी हो
होश च आवड़ लगी हो जदों सही हो मस्त जवानी होश च आवड़ लगी हो जाके बाग माही घर आया शगन मनावण लगी हो जाके बाग माही घर आया शगन मनावण लगी हो भर के पेक दिता दिल भरनू खुशी मनावण लगी भर के पेक दिता दिल भरनू खुशी मनावण लगी टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके लाए बे कटाले यारी ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके और लाए बे कटाले यारी ते टूट गई तड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके जो सारा हमारा इलाका है, यहां जब शादी ब्याह के मौके पे लड़की की रुखसती हो रही होती है तो लड़की वाले अफसरदा हो जाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? यस। ये जितनी ख्वातीन हमारे सामने बैठी हैं, ये सब जानती हैं, गुजर चुकी हैं, गुजरेंगी इन मरहलों से कि जब शादी ब्याह का मौका आता है तो खुशी होती है, बहुत सेलिब्रेशन होती है, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है जब रुखसती के टाइम पे लड़की वाले जो है वो रो पड़ते हैं, और जो रिश्तेदार नहीं भी होते वो भी रो पड़ते हैं, ऐसी कोई कैफियत जो है वो सब पे तारी हो जाती है उसको। तो ये क्यों होता है? मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, एक बड़ी अच्छी किताब है एतज़ाज़ अहसन साहब की लिखी हुई, द इंडस सागा, उसमें वो बताते हैं कि ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, ये दुनिया में और नहीं होता, चाइना में, अफ्रीका में, अमेरिका में नहीं होता ऐसा, वहाँ वो खुशी खुशी रुखसती कर देते हैं। यहाँ इसलिए होता है क्योंकि आज से 2,500 साल पहले जब आर्या कौम के लोग यहाँ आए तो उन्होंने जब कबायली बस्तियों पे हमले किए तो वहाँ के जो बादशाह शहजादे, वहाँ के जो कबायली उनके लीडर्स होते थे ट्राइब्स के, उनकी बेटियों को अगवा करके ले जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती शादियाँ कर लेते थे एज अ वे ऑफ सबड्यूइंग द अपोनेंट्स, द पोलिटिकल अपोनेंट्स। तो ये उस वक्त से हमारी एक कल्चरल मेमोरी का हिस्सा है ये बात कि लड़की को जो सेल्फलेस लव और प्यार और सच्ची मोहब्बत अपने घर में मिलती है वो शायद अगर वो बहुत खुशनसीब है तो उसको पराए घर में मिले। ठीक है जी, मुलायदा फरमाएं। गिल्ली गिल्ली बने ये निसम्मे
बड़े लोग हैं, तो लिहाजा इन लोगों की सोच को, इनकी फिक्र को, इनके जज्बात को महसूस कीजिए और अपनाइए, अपने दिल में समाइए। ओ ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले ला अकीदत का जज्बा चेक करें कि चार चराग जल रहे हैं आपके, चार चराग तो हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। मेरी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए है। Ta-d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 a
अमीर खुसरो का बनाया हुआ राग है, एमन अमन तारी करने वाला इस राग में ये गाना है। तो ये दिल को सुकून सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि सेवन शरीफ का जिक्र हो रहा वो है, लेकिन हजरत अमीर खुसरो का 800 साल पुराना बताया हुआ सुरों के अंदर की बोल रहे हैं। दादा साहब की।